23 मई को यानी कल होनी है, जिसमें अब चंद घंटे ही बाकी हैं। छत्तीसगढ़ में मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि विधानसभा की अपेक्षा लोकसभा की मतगणना में ज्यादा टाइम लगेगा। मतगणना व्यवस्था को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से खास बातचीत की है स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और छत्तीसगढ़ में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और इस वक्त हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुब्रत साहू जी है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी की गई है। जी सर, कल मतगणना है, कितने समय से शुरू हो जाएगी? सुबह 8 बजे निर्धारित समय है, पोस्टल बैलेट और ATP वे से शुरू होगी और जहाँ पे इनकी गिनती नहीं होनी वहाँ सीधा सीधा EVM की गिनती से शुरू होगी। सर, मतगणना स्थल का किस तरह से जायजा लिया जाएगा, अवलोकन करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? हम लोग मॉनिटरिंग करते रहेंगे यहाँ से, लेकिन स्थानीय तौर पर जिला कलेक्टर जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनके द्वारा इसका मुआयना भी कराया जा चुका है और जो व्यवस्थाएं करनी है कल के लिए वो सब उन्होंने वहीं अपने ही देखरेख में उन्होंने व्यवस्थाएं की है। सर, बात करें कि जैसे मतगणना स्थल में सुरक्षा व्यवस्था की, तो आप किस तरह से इसकी व्यवस्था की गई है, क्या रहेगा इसकी? मतगणना स्थल पर जो काउंटिंग स्ट्रांग रूम है उसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का एक एक बटालियन सब जगह 27 जिला मुख्यालयों पे है, उनके देखरेख उनकी सुरक्षा में ये है। मतगणना स्थल जो है वो भी CAPF के भरोसे है और जो आउटर कॉर्डन है वो स्टेट पुलिस उसको देखती है, जो लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से बाकी व्यवस्थाएं देखेंगी। इसमें बिना पास का किसी को आने की इजाजत नहीं है। पास के लिए ऑलरेडी जिन्होंने अप्लाई किया था उनको जारी हो चुका है। आम पब्लिक को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन कैंडिडेट्स या उनके एजेंट या उनके काउंटिंग एजेंट्स उसमें अंदर जा सकते हैं और उनको भी कैमरा, कैलकुलेटर, पेन, मोबाइल ये सब ले जाना वर्जित है। किसी प्रकार की सामग्री वो नहीं ले जा सकते, यहाँ तक कि सिगरेट, तंबाकू वगैरह भी नहीं ले जा सकते। केवल एक फॉर्म, कोरा कागज और जो फॉर्म 17C है उसको लेके अंदर वो जा सकते हैं। अगर जरूरत होगी तो वहाँ अंदर उनको पेन उपलब्ध करा दिया जाएगा और कैंडिडेट्स को अगर चाहते हैं, मांग करते हैं, तो उनको एक कैलकुलेटर वहाँ पर स्थानीय तौर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। सर जी, अवलोकन के लिए कोई टीम पहुँचती है, क्या कोई टीम आई है? अभी अवलोकन के लिए बाहर से कोई टीम नहीं आ रही है। इस वक्त हमारे साथ थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिनका कहना है कि मतगणना की तैयारी तो पूरी कर ली गई है जो कल सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। कैमरामैन रेखराम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और अब खबर सुकमा।